गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडेज टॉपिक इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का है। इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को देने वाले कौन थे? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। और साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या? नाम से पता चल रहा है बेटा, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को साइंटिफिक तरीके से करना, पुराने घिसे पिटे तरीके से नहीं करना, नए तरीके से। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या? इट रेफर्स टू दैट मैनेजमेंट विच थिंक्स दैट बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्क इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कह रहा है? एक ऐसी मैनेजमेंट जिसमें साइंटिफिक तरीके से किसी भी काम के एनालिसिस के बारे में सोचा जाता है, साइंटिफिक तरीके से काम का एनालिसिस सोच कर किया जाता है। इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड, इसमें ये कैसे पॉसिबल होगा? किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका चुना जाता है। जब बेटा कई तरीकों में से हम एक बेस्ट तरीके को चुनते हैं, तो हमें बेटा उस काम का साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस करना पड़ता है और सोच विचार करते हैं कि कौन सा तरीका बढ़िया हो सकता है। तो सभी तरीके पर विचार होता है। मान लीजिए किसी काम को करने के दो तरीके हैं, तो पहले तरीके को देखा जाता है, उस तरीके के मेरिट्स डीमेरिट्स देखे जाते हैं, फिर दूसरे तरीके को उठाया जाता है, उसके भी मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे जाते हैं। अब बेटा क्या करना है? पहले और दूसरे तरीके का एनालिसिस हम करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके पर चलकर फायदे ज्यादा होते हैं, नुकसान कम होते हैं, तो उनमें से एक बेस्ट तरीका क्या किया जाता है? चुना जाता है। इस मैनेजमेंट को कौन सी मैनेजमेंट का नाम दिया जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो फिर से सुन लीजिए, इसका मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू दैट मैनेजमेंट विच थिंक्स दैट बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्क इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट। अब बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट के मीनिंग के बाद इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो इसके फीचर्स में पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक अप्रोच। बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम से पता चल रहा है कि ये अप्रोच कैसी है, सिस्टमैटिक तरीके की क्या है अप्रोच है। कैसी अप्रोच है? सिस्टमैटिक अप्रोच है, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट एंड इट्स यूज एंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर। बेटा ये सिस्टमैटिक अप्रोच है, इसका मतलब सारी एक्टिविटीज को एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर क्या किया जाता है? कंप्लीट किया जाता है। यहाँ पर सारी एक्टिविटीज को जो भी हमने काम करना है सिस्टमैटिक तरीके से करना है और साइंटिफिक तरीके से करना है। और सिस्टमैटिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर सारे काम को, सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट किया जाता है। तो बेटा जिस काम को साइंटिफिक मैनर में और सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट करना है, वो अप्रोच कौन सी अप्रोच होगी? सिस्टमैटिक अप्रोच होगी। सेकंड इसकी फीचर क्या है? ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो भी काम किए जाते हैं वो बेटा बिल्कुल जब सिस्टमैटिक तरीके से किए जाते हैं तो यहाँ पर मेंटल रेवोल्यूशन के जरिए, मेंटल रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? यहाँ पर मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को अपने आप को समझाना पड़ेगा
दोनों को क्या समझाना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं है। तो यहाँ पर मेंटल लेवल का कंप्लीट चेंज भी लेकर आना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग्स अबाउट अ कंप्लीट मेंटल चेंज बोथ इन द ओनर्स एज वेल एज द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट के जरिए दोनों अपने अपने में चेंज लाएंगे, दोनों अपने अपने दिमागों में चेंज लाएंगे। कौन? दोनों ओनर और एम्प्लॉय दोनों अपने अंदर चेंज लाएंगे कंप्लीट लेवल का। दोनों ने ये अपने दिमाग में डालना है कि एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं है। तो यहाँ मेंटल लेवल का कंप्लीट चेंज लाना है, और चेंज को लाने में भी यहाँ साइंटिफिक लेवल की मैनेजमेंट उनकी हेल्प करती है। बोथ द पार्टीज स्टार्ट एमिंग फॉर मोर एंड बेटर प्रोडक्शन टारगेट रादर देन मेयरली चेजिंग हायर प्रॉफिट्स। हायर प्रॉफिट को चेज करने के लिए, लाने के लिए दोनों ने, मालिकों ने और एम्प्लॉय ने अपने अपने मेंटल लेवल में चेंज लाना है और प्रोडक्शन के टारगेट को ज्यादा करने की कोशिश करनी है। तो इनकी इस कोशिश में हेल्प कौन सी मैनेजमेंट करेगी? साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसके बाद थर्ड फीचर है डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पर पुराने घिसे पिटे जो मैनेजमेंट के तरीके हैं काम को करने के, वो निकाल कर बाहर फेंकने हैं, नए तरीके अपनाने हैं एक्सपेरिमेंट के जरिए, नई टेक्निक्स को अपनाना है। द अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कम्प्लीटली डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है पुराने घिसे पिटे तरीकों को निकालती है, नए तरीकों को लाने पर जोर देती है। इट कॉल्स फॉर द डिस्कार्डिंग ऑफ ऑल टेक्निक्स एंड एडॉप्शन ऑफ न्यू एंड मॉडर्न टेक्निक्स। ये क्या कहता है? पुराने तरीके को निकाल के बाहर फेंको, इसकी जगह नए तरीकों को एडॉप्ट करो विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉई, ताकि एम्प्लॉई की एफिशिएंसी का लेवल क्या हो, इम्प्रूव हो। दिस इज नथिंग बट द आउटकम ऑफ कंप्लीट चेंज इन एटीट्यूड। ये कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन इससे जो है हमारा जो एटीट्यूड है उसमें कंप्लीट लेवल पे चेंज आना शुरू हो जाता है। पुराने तरीकों को निकाल के फेंकना है और नए तरीकों को अपनाना है। ये भी किसकी हेल्प से होगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट की हेल्प से होगा। उसके बाद है रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। यहाँ पर बेटा जो रूल्स बनाए जाएंगे उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है, यानी कि रूल बने बने उन्हें फॉलो ना किया जाए, स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर वेरी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स बिकॉज द रूल्स आर फॉर्म्ड ओनली आफ्टर ड्यू एनालिसिस एंड देयर इज वेरी लिटिल चांस ऑफ एरर इन देम। बेटा जो भी रूल्स वगैरह बने उनको पूरे प्रॉपर एनालिसिस के द्वारा बनाना है, ताकि उन रूल्स में किसी भी तरीके की कोई कमी पेशी ना हो, और जब कोई कमी पेशी नहीं है तो रूल को स्ट्रिक्टली बनाने के बाद ये भी देखना है कि रूल को फॉलो भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। स्ट्रिक्टली रूल्स की ऑब्जर्वेंस भी यहाँ पर की जाएगी। अनलेस द रूल्स आर फॉलोड स्ट्रिक्टली द साइंटिफिक टीम गिवन टू मैनेजमेंट में फेड अवे मेकिंग इट नो डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। अब बेटा जो रूल्स बने हैं वो यदि प्रॉपर तरीके से फॉलो होंगे तो ठीक है, नहीं तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट ही है, साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं है। तो इसके लिए नए जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और स्ट्रिक्टली फॉलो करने में भी साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ पर हेल्प करती है, नहीं तो बनाए हुए रूल सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे और हमें फायदा नहीं देते। और यदि उनसे फायदा लेना है तो जो नए नए जो भी रूल्स बनाए गए हैं उनका
उनका प्रॉपर एनालिसिस करना है ताकि उनमें कोई कमी पेशी ना हो और उन्हें स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करना है। उसके बाद है इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स की एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करने में साइंटिफिक मैनेजमेंट रोल प्ले करती है। द मेन एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन एम क्या है? वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। दिस इज डन थ्रू कंडक्टिंग वेरियस काइंड ऑफ स्टडीज सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी। बेटा एफिशिएंसी को वर्कर की बढ़ाना है तो यहाँ पर कुछ स्टडी की गई है, टाइम की स्टडी की गई है, टाइम पे काम करना है। फटीग स्टडी थकावट अध्ययन की, थक जाए तो कुछ टाइम पीरियड का रेस्ट मिलना चाहिए। मेथड स्टडी काम को करने का एक बेस्ट तरीका क्या होता है। मोशन स्टडी चाल को बढ़ाना है, स्पीड को बढ़ाना है तो कुछ स्टडी के जरिए वर्कर्स की एफिशिएंसी को क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। तो वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में भी कौन सी मैनेजमेंट रोल प्ले करती है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आज के टॉपिक में हमने क्या किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट में साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग किया है। इसको देने वाले फ्रेडरिक विंस्लो टेलर थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट के मीनिंग के बाद हमने इसकी फीचर्स की हैं। फीचर्स में क्या क्या पॉइंट थे? सिस्टमेटिक अप्रोच था, ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज था, डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स, इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। थैंक यू बेटा।